स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। स्टूडेंट्स, मैंने कल बोला था कि फरवरी में 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और 17 फरवरी को आपका साइंस का पेपर था, जिसमें मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज जो फर्स्ट चैप्टर का एग्जामिनेशन हुआ है 17 फरवरी का साइंस का, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका क्या आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो आप सारे जितने भी स्टूडेंट थे सारे अपना आंसर मिला करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें 48 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक है, और 40 प्रश्न के लिए आप लोगों को 40 मार्क्स मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए, धातुओं को घटती क्रियाशीलता के आधार पर अरेंज किया गया था, जिसमें सबसे अगर हम कम अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो वो होता है लोहा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए, कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6। कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या हो जाएगी आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच परमाणुओं के बीच त्रिक अबंध होते हैं। तो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो आपका अल्काइन ग्रुप से होता है। किस में होता है, अल्काइन में। अगला है आपका, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है। तो देखिए, एथेनॉल यहाँ पर ऑल आ रहा है, तो मैंने ट्रिक बताया हुआ था कि जब ऑल आए तो वह हो जाएगा अल्कोहल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती किया होगा। क्या गलती किया होगा, उसने आंसर ओम लगाया होगा। तो याद रखिएगा, ओम इसका आंसर नहीं होगा। अगर प्रतिरोध कहता तब उसका आंसर हो जाता ओम, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता कह रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, ओम मीटर, क्योंकि रेसिस्टिविटी यहाँ पर पूछा गया है, तो रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए, चांदी जो होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑर्स्टेड ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं आप काउंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए, विद्युत मोटर जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट को किसमें, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वह ऊपर मुखी की ओर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। अगला है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, ठीक है, तो उसका करंट बताना है कि क्या आपूर्ति की जाती है। तो वो होता है 50 हर्ट्ज, या यूं कह लें अगर वोल्ट में पूछ रहा है, ठीक है, तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए, अपवर्तनांक सबसे अधिक की बात करेगा तो हीरा का हो जाएगा, कितना होता है, 2.42 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो देखिए, ये मैंने सब्जेक्टिव टाइप में भी आप लोगों को कराया था, अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को। क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, लाइट रेज को अभिसरित करने का काम करता है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। तो जब मैंने टेस्ट लिया था तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि केंचुआ जो है वह उभयलिंगी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है। तो देखिए, अवशेषी अंग की बात करें ना तो वो हो जाएगा अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखिए, चिपको आंदोलन जो है वह किससे, वन संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो देखिए, लेंस के आवर्धन की बात करें तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वी बाई यू। अब है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो देखिए, जो आँखों का जो कलर होता है वह डिपेंड करता है आपका परितारिका के ऊपर, ठीक है। अगला है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमारे हाथी हम सौर
जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं? तो देखिए, सौर जल तापक का हम यूज उसी समय कर सकते हैं जब हमें सोलर एनर्जी मिल पाए। तो देखिए, धूप वाले दिन तो कर ही सकते हैं, गर्मी के दिन कर ही सकते हैं, लेकिन जब बादल वाला दिन होता है तो उस समय क्या होता है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आ पाता, जिसके कारण हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है, यानी कि कौन सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है? तो देखिए, आपका जो जैव मात्रा है ये आपका नहीं होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो देखिए, दर्पण की जब भी बात करेंगे ना, तो सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो केवल और केवल उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो देखिए, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने उत्तल दर्पण इसका आंसर लगाया होगा, तो ये गलत है, उत्तल दर्पण नहीं होगा, क्योंकि इसका यूज किया जाता है साइड मिरर में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया हेडलाइट में, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो प्रकीर्णन की बात की जा रही है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नारंगी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो देखिए, ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हमें सूर्य जो है देखने को मिलता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पर वास्तविक सूर्योदय से पूछा गया है किसके कारण, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है? तो मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो परमाणु संख्या होता है उसके बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया था, और मेंडलीफ का जो था वो परमाणु द्रव्यमान के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आपका टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, मैंने आपको लोगों को एक ट्रिक बताया था, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी बोले तो हाफ, तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, लेकिन जब 2 आएगा तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, जिप्सम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभी निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलेगा, यानी रिएक्शन जब करवाएंगे तो किसका, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा हमें, जिंक सल्फेट बन के आएगा। ठीक है, यानी कि जिंक SO4 और प्लस क्या निकल के आएगा, H2, तो हमें क्या मुक्त हो रहा है, H2 मुक्त हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मेरे टेस्ट वाले क्वेश्चन से ही आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के, कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। चलिए अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के जो 36 कतारें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो 36 कतारें होती हैं ना उन्हें कहा जाता है क्या, आवर्त कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे समूह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त। नेक्स्ट है, लोहे के फ्रैंक पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा फंसाया गया है। याद रखिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, और गैल्वेनाइजेशन में किसका पड़ा चढ़ाते हैं, जिंक का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो मैंने कितनी बार क्लास में बताया था, सोडियम जो है उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वह चूने के पानी को दुधिया कर देता है। अगला है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो आपका जो वृद्धि हार्मोन है यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो देखिए, मैंने बार बार बताया था कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमीबा में विखंडन होता है। ठीक है, मुकुलन किस में होगा आपका, तो हाइड्रा में जो होता है मुकुलन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है, फल में बदलता है? तो देखिए, फल की जब भी बात करेंगे तो अंडाशय जो है वह फल में बदलता है, और बीजांड जो है वह बीज में बदलता है। तो यहाँ पर फल कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ये भी मैंने कितनी बार क्लास में बताया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका के कारण ही क्या होता है, स्टोमाटा जो है यानी कि रंध्र जो है वह खुलना और बंद होना इसी के कारण होता है।
चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा और क्वेश्चन। निम्न में कौन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो जब किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात होती है तो मैंने बताया था कि एक ऑप्शन न्यूरॉन और एक नेफ्रॉन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो वृक्क का है तो वृक्क का हो जाएगा नेफ्रॉन, न्यूरॉन किसका है तो नर्व सेल का है, याद रखिएगा। अगला है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में कौन सा है? तो देखिए दोनों एक ही चैप्टर से लगातार क्वेश्चन पूछ दिया है, तो वृक्क जो है, किडनी जो है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट है, एंड्रोजन क्या है? तो देखिए एंड्रोजन की जब बात करेंगे तो एंड्रोजन है नर लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो है वह नर लिंग हार्मोन है। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, संयोग होता है तभी वृद्धि होगी, तो जब संयोग होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि कह लें उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो देखिए ये भी मैंने कितनी बार बताया था, टेस्ट लिया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, तो अमीबा जो अपना भोजन है वह कूट पाद के द्वारा प्राप्त करता है। तो लास्ट टेस्ट जो मैंने लिया था उसको जिस कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया होगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। अगला है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो देखिए लाइपेज जो है ये वसा पर क्रिया करता है और वसा को तोड़ने का काम करता है। अगला है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए आपका जो वायवीय श्वसन है इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि भोजन अणुओं का ऑक्सीडेशन इसमें मैक्सिमम होता है। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट टेस्ट से ही पूछ लिया गया है, मछली का श्वसन अंग मैंने उसमें पूछा था, मानव, मछली और कीट का श्वसन अंग। तो देखिए मछली का श्वसन अंग पूछ लिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गिल्स के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे जो यहाँ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी आंसर हम बताएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इन सभी का आंसर हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और वो भी अपने लैंग्वेज में, ताकि याद करने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और जो नए बच्चे हैं जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे यानी कि अगली बार 2021 में, तो उनके लिए चैनल बेस्ट है, क्योंकि मैं इस पर साइंस का टोटल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा और पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।